तारा से बड़ी खबर, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। राज्यपाल के सामने प्रदर्शन करने पर अड़े हुए थे छात्र, पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं। बारा स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक में शामिल हुए राज्यपाल के सामने कई छात्रों का विरोध प्रदर्शन, और इस दौरान विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और प्रशासन के लोग इनको समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे और जबरदस्ती वो बैठक में घुसना चाह रहे थे। इसको लेकर के पुलिस ने वहां पर जमकर लाठीचार्ज किया है और दौड़ा दौड़ा कर छात्र संगठन के नेताओं को पीटा है, जिसमें कि कई लड़कियां भी शामिल थी, उनकी पिटाई हुई है। सड़क पर गिरे छात्रों को भी लगातार पुलिस अपने डंडे से पीटती हुई नजर आई। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, राज्यपाल के सामने प्रदर्शन करने पर अड़े हुए थे छात्र और इसी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है कई छात्रों पर। आरा से खबर है, बड़ी जानकारी तक पहुंचा रहे, राज्यपाल के सामने प्रदर्शन करने पर अड़े हुए थे छात्र, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पुलिस ने लाठीचार्ज किया छात्रों पर, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का ये मामला है। क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखिए, हंगामा हम नहीं कर रहे हैं, हम विद्यार्थी परिषद के लोग कई सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के सीनेट घेराव में हम लोग आए थे कि छात्रों का जो भी मूल समस्या है हम लोग भाई चांसलर के पास रखेंगे और महामहिमा रहे तो उनके समक्ष रखेंगे। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ आए तो यहाँ प्रशासन के द्वारा कहा गया कि आप राज्यपाल को अंदर जाने दीजिए, हम यहाँ आप लोगों को बात करेंगे। लेकिन राज्यपाल अंदर गए और उद्वंत नगर थाना प्रभारी अवधेश जी के द्वारा जिस तरह से छात्राओं के ऊपर मारना, उनका सर फोड़ देना, छात्रों के ऊपर बेरहमी से पीटना, ये कहीं जायज नहीं है, क्योंकि ये छात्र है, कोई अपराधी नहीं है। महामहिम का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, महामहिम सीनेट के अध्यक्ष होते हैं, तो हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से उनके समक्ष अपना मांग पत्र रखने के लिए हम लोग आए थे, प्रशासन से भी बात हुई थी, लेकिन भाई चांसलर आए और पूरा रोम में थे, वो उनका कोई भी गुण भाई चांसलर वाला आज नहीं था। हम राज्यपाल से मिलेंगे और वीसी पे कार्रवाई हो और उद्वंत नगर के थाना प्रभारी पे कार्रवाई हो, दोनों पे कार्रवाई करने के लिए हम अपने राज्यपाल से आग्रह करने वाले। संदेश 24 सत्र के लिए आज सीनेट का बैठक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित हुआ है, जिसमें राज्यपाल यहाँ सहभागित हुए हैं। लेकिन सीनेट के अंदर कोई भी छात्र के मामले पर बात नहीं होती, छात्र के विकास कैसे होगा इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन कभी नहीं बात करता है। हम लोग राज्यपाल से मिलने के लिए आए हैं, उद्वंत नगर के थाना प्रभारी अवधेश जी के द्वारा जिस तरह से मारा गया, हम बार बार कहेंगे आप बहुत सारे हॉस्पिटल जाके लीजिए, छात्राओं को मारा गया, छात्राओं से पूछिए, छात्राओं को मारे ये कहां तक जायज है? उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर। राज्यपाल से मांग करेंगे ऐसे भ्रष्ट थानाध्यक्ष उद्वंत नगर अवधेश बाबू को तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। वीसी से कुछ अपनी मांगे रखना चाह रहे थे, उसके लिए हम लोग उनको कन्विंस किए कि ठीक है अपनी जो मांगे रखनी है आप लोग आवेदन अपना दे दीजिएगा, और उसके बाद सब राज्यपाल महोदय अंदर चले गए। और उसके जाने के बाद कुछ छात्र थे जो गेट तोड़ के जो है घुसने की कोशिश की, गेट पे चढ़ गए थे, उन्हीं को वहाँ से जो है धक्का देके निकालने के क्रम में जो है एक दो छात्रों को कुछ खरोच वरोच आई है, बाकी कोई लाठीचार्ज नहीं। सर, पुलिस ने महिला को लड़कियों को मारा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उसमें महिला और पुरुष दोनों जो स्टूडेंट भी शामिल थे, हमारी वहाँ देख रहे हैं आप लोग महिला पुलिस भी है, पुरुष पुलिस है। अब जो लोग गेट पे चढ़ रहे थे उनको जो है हटाने के क्रम अगर किसी को खरोच आती है उसको हम लोग देख रहे हैं, बाकी ऐसा कोई लाठीचार्ज नहीं।